नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। रेलवे के द्वारा एक के बाद एक लिए जा रहे फैसलों से अब यात्रियों की जेब पर असर पड़ने लगा था, लेकिन अब एक और खबर सामने है। खबर के अनुसार अब जिन ट्रेनों का जिक्र हम आपसे इस वीडियो में करने जा रहे हैं, उनमें यात्रा करना सहज नहीं रह जाएगा, क्योंकि अब ठंडी हवा खिलाकर जेब काटने की तैयारी चल रही है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा फैसला है, लेकिन यही सत्य है। अब पूरी खबर क्या है वो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक और जानें कि क्या खबर अब नई है। आम यात्रियों के लिए रेल का सफर आसान नहीं रहा। रेलवे ने मुजफ्फरपुर के रास्ते सहरसा और नई दिल्ली के बीच चलने वाली 02553-54 वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस और हाजीपुर के रास्ते सहरसा और आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलने वाली 05279-80 पुरबिया एक्सप्रेस में 3 स्लीपर कोच को हटाकर 3 टीयर एसी के 3 कोच लगाने का निर्णय लिया है। रेलवे के इस फैसले से प्रतिदिन दोनों ट्रेनों पर दोनों रूटों से यात्रा करने वाले यात्रियों को स्लीपर के बदले एसी 3 टायर कोच में यात्रा करना होगा और ये उनकी मजबूरी होगी। एक कोच में 72 बर्थ होते हैं। अप डाउन मिलाकर 6 कोच में 864 यात्रियों को स्लीपर के बदले एसी कोच में यात्रा करनी पड़ेगी। इससे प्रत्येक यात्री को ₹540 के टिकट के बदले ₹1420 टिकट पर खर्च करना पड़ेगा। इससे स्लीपर बोगी में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए सफर करना महंगा हो गया है। दोनों ट्रेनों की संरचना में फेरबदल को लेकर पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य यात्री परिचालन प्रबंधक ने सूचना जारी की है। वहीं दोनों ट्रेनों में एक एक सामान्य कोच बढ़ाया जाएगा। इससे दोनों में सामान्य कोच की संख्या 3 से 4 हो जाएगी। दोनों ट्रेनों में फर्स्ट एसी और सेकंड एसी कोच को हटा लिया जाएगा। ट्रेन में पूर्व की ही तरह 22 कोच होंगे। बदलाव के बाद दोनों ट्रेनों में 2 पावर कार कोच, 4 सामान्य कोच, 6 स्लीपर एसी 3 के 6 एसी 2 ईयर के 2 और एसी फर्स्ट के 1 कोच के अलावा 1 पेंट्री कार रहेगा। सहरसा से 1 फरवरी और नई दिल्ली से 2 फरवरी से रवाना होने वाली वैशाली सुपरफास्ट संशोधित संरचना के साथ चलेगी। वहीं पुरबिया एक्सप्रेस सहरसा से 6 फरवरी और आनंद विहार टर्मिनल से 7 फरवरी से संशोधित संरचना के साथ चलेगी। रेलवे के इस निर्णय से स्लीपर कोच में यात्रा करने वाले यात्रियों को एसी कोच का रुख करना पड़ सकता है। स्लीपर कोच में कटौती से यात्रियों को अब अधिक किराया चुकाकर एसी बोगी में टिकट बुक कराना होगा। अब ऐसे में सामान्य श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों को मजबूरन एसी कोच में सफर करना होगा। इससे होगा ये कि ना सिर्फ उनकी जेब पर असर पड़ेगा, बल्कि ना चाहते हुए भी कई गुना अधिक किराया देना होगा। अब देखने वाली बात ये होती है कि यात्री इस यात्रा से कितना सहज महसूस करते हैं। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।